hello everyone i hope you all are fine and in today's lecture i will discuss about the theories of emotion so there are various theories of emotion so before moving towards the theories first i would like to discuss about what is emotion so these are some emotions like happy sad angry scared tender means gentleness or kindness or excited so there are a lot more emotions under these headings but i just पिक दीस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ओके सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन आई ऑलरेडी राइट द डेफिनेशन हियर सो अकॉर्डिंग टू डेविड जी मायर्स ह्यूमन इमोशन इन वॉल्व फिजियोलॉजिकल अरोजल एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस सो ह्यूमन इमोशन के अंदर क्या है तीन चीजें आती हैं फिजियोलॉजिकल अरोजल मीन्स फिजिकल सिम्टम्स एक्सप्रेसिव बिहेवियर मीन्स जो भी हम इमोशनली इस टाइम फील कर रहे हैं उसे हम एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस मीन्स जो भी हम इमोशनली फील कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल में पता है या नहीं हम उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सो so, इमोशन क्या है वी आर इन फियर वी आर अफ्रेड सो उसमें क्या होगा फिजियोलॉजिकल राउजल मीन्स फिजिकल सिम्टम्स कौन से होंगे हमारे हाथ कांप रहे हैं मीन्स ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी स्वेटिंग होगी और फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा खुश हैं वी आर हैप्पी सो इमोशन इज हैप्पी सो एक्सप्रेसिव बिहेवियर कौन सा होगा वी आर स्माइलिंग एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस सो कई बार ऐसे होता है कि हमें अपने इमोशंस के बारे में पता नहीं होता बट एक्चुअली दे आर मीन्स दे आर प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज से जेलस हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसके बारे में जेलस हैं लेकिन अगर हमें कोई कमेंट आके पास करे देट लाइक यू आर जेलस फ्रॉम दिस थिंग लेकिन हमें पता नहीं होता मगर बाद में हम जब डीप थिंकिंग करते हैं कभी अकेले बैठे होते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ यार हम मैं एक्चुअली जेलस हूँ आई थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम विद डैट तो वो क्या हो गया कॉन्शियस एक्सपीरियंस मीन्स हमें अपने इमोशन के बारे में पता है दैट इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डेफिनेशन सो हियर इज अनदर डेफिनेशन दैट इमोशन इज डिफाइंड एज अ कम्पलेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स दैट रिजल्ट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर सो इमोशन की वजह से क्या होता है फिजिकली चेंजेस आते हैं प्लस मेंटली चेंजेस आते हैं जो कि प्रभावित करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोचने को थिंकिंग को प्लस हमारे बिहेवियर को क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं तो थ्योरीज अवर मेन पार्ट ऑफ डिस्कशन सो इधर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ इमोशन लाइक एवोल्यूशनरी थ्योरी जेम्स लैंड थ्योरी कैन एन बार्ट थ्योरी शेटस सिंगर थ्योरी कॉकनेटिव अप्रिजल थ्योरी एंड लास्ट वन इज फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन सो द फ्रीक्वेंटली आज जो बार बार पूछी जाती हैं थ्योरीज वो जेम्स लेंच थ्योरी कैन बार्ट थ्योरी शेटर सिंगर थ्योरी बट स्टिल हम सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल सो फर्स्ट थ्योरी इज एवोल्यूशनरी थ्योरी सो इन द एटीन सेवनटीज चार्ल्स डार्विन प्रपोज दैट इमोशंस इवॉल्व मीन्स एटीन सेवनटीन में चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है इमोशंस जो है वो हमारे डिवेल्प होते हैं क्यों बिकॉज दे हैड अडेप्टिव रोल एंड वैल्यू अडेप्टिव रोल मीन्स इमोशन्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में फिट होने में मीन्स ये हमें अडेप्ट होने में हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दे अलाउड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस सो इस थ्यूरी के अकॉर्डिंग क्या है इमोशंस जो तो हैं वो डवेल्प होते हैं क्योंकि वो हेल्प करते हैं हमें मीन्स सर्वाइव करने में प्लस रिप्रोड्यूस करने में वो कैसे सो हेयर इज एन आंसर फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन सीक मेट्स एंड रिप्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल इफ वी लव समन इफ वी आर अट्रेक्टेड टूवर्ड समन हेयर इमोशन इज लव एंड अफेक्शन इफ वी हैव दिस इमोशन देन ओनली वी आर एबल टू चूज अवर पार्टनर एंड रिप्रोड्यूस सो नेक्स्ट वन इज फीलिंग ऑफ फियर मीन्स वी आर इन ग्रेट डेंजर फॉर एग्जाम्पल वी सी अ लॉइन कि हमने लॉइन देख लिया है तो फील इमोशन क्या होगा उस टाइम फीयर बहुत ज्यादा डर जाएंगे सो so, वो डर ही है जो या जिसकी वजह से या तो हम वहाँ रुक कर उसे लड़ेंगे इन्स डैट्स नॉट अ गुड आइडिया या फिर हम भाग जाएंगे सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये डर ना हो और हमने वी सी अ लॉइन एंड लॉइन इज मूविंग टूवर्ड्स आर्स और हम बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं देर इज नो इमोशन तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना इधर वी फाइट ना तो हम लड़ेंगे और नॉर वी फ्ली ना तो हम भागेंगे तो क्या होगा डेड वी डाई सो दीज इमोशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन हेल्प्स अस टू सर्वाइव सो हियर इज रिटर्न That emotions motivate people to respond quickly to the stimuli in the environment, which helps to improve the chances of success and survival. जो मैंने यहाँ पे समझाया कि इमोशंस की वजह से क्या है इमोशन जो है वो मोटिवेट करेंगे आपको कि आप क्विकली रिस्पॉन्स करें स्टिमुलाए स्टिमुलाए यानी कि लॉइन विच इज प्रजेंट इन द इन्वायरमेंट ताकि आप सर्वाइव कर सकें सो नेक्स्ट पॉइंट इज

इज आंसर फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत ज्यादा डरावना जो कि गुर्रा रहा है जिसके पंजे बड़े बड़े हैं वो एनिमल देख लिया है सो so, आप इमिडिएटली समझ जाएंगे कि हाँ ये एनिमल जो है ये इसे हमें खतरा है या नहीं अगर तो आपको लगेगा कि आपको खतरा है देन यू आर यू रन और फाइट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेकिन अगर आपको लगेगा उसके इमोशंस उसकी एक्सप्रेसिव मीन्स वैस जैसे वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ ये हमसे डर रहा है तो हम क्या करेंगे उसे अकेला छोड़ देंगे सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेफ्टी एंड सर्वाइवल हमने उनके इमोशंस रीड कर लिए कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा घुर्रा रहा है ये तो हमारी तरफ बहुत गुस्से में बढ़ रहा है तो हम इमीडिएटली क्या है वहां से भाग जाएंगे या फाइट करेंगे और अगर हमें लगेगा सो देर आर फ्यू एनिमल्स दोज आर अफ्रेड फ्रॉम आस सो so, उस कंडीशन में क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें कोई खतरा नहीं है सो नेक्स्ट पॉइंट इज बाई बीइंग एबल टू इंटरप्रेट करेक्टली मीन्स करेक्टली समझ लें अगर हम इमोशंस दूसरे लोगों के देन यू कैन रिस्पोंड करेक्टली एंड अवॉइड डेंजर तो आप उनको सही से क्या है रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और खतरा जो है वो टल जाएगा तो एवोल्यूशनरी थ्योरी में यही है कि इमोशंस जो है वो हमारी सेफ्टी में और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं वो हमें अडेप्ट होने में हेल्प करते हैं सो मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट थ्योरी दैट इज जेम्स लैंच थ्योरी। सो दिस थ्योरी इज प्रपोज बाय वन साइकोलॉजिस्ट दैट इज विलियम जेम्स एंड अनदर वन इज फिजियोलॉजिस्ट दैट इज कार्लेंच और इस थ्योरी का नाम जो है वो इन दोनों के सेकेंड नेम पे रखा गया है दैट इज जेम्स एंड लैंज थ्योरी सो so, इस थ्योरी में क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स लाइक हेयर इट इज गिवन के कोई भी इवेंट हुआ सबसे पहले क्या होंगे फिजिकल सिम्टम्स आएंगे देन इमोशन फॉर एग्जाम्पल वी सी ए लॉइन लॉइन हेयर लॉइन हेयर इज एक्सटर्नल स्टिमुलस फिजोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे दैट इज हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी परस्पिरेशन उसके बाद इमोशन इमोशनल रिएक्शन कौन सी होगी लॉइन को देखने के बाद दैट इज फीयर सो इमोशनल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दोज फिजिकल चेंजेस मीन्स कि इमोशन डिपेंड करता है किस पे इमोशनल रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं उस पर डिपेंड होगा हमारा इमोशनल रिएक्शन सो लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम आपने एक स्टिमुलाई देखा जैसे हमने पीछे आ, पढ़ा है कि लॉइन फॉर एग्जाम्पल लॉइन देखा ठीक है इमिडिएटली क्या है इंपल्सिस चली गई मैसेज चला गया कॉटेक्स को सो दिस पोर्शन ऑफ ब्रेन इज नोन एज कॉटेक्स सो इमिडिएटली क्या है मैसेज सेंड हो गया कॉटेक्स को उसके बाद क्या है कॉर्टेक्स से क्या मैसेज आया बॉडी पार्ट्स में तो क्या हो गए फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ गए उसके बाद फिर से मैसेज गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फिर अगेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आया एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन उसके बाद इमोशन लॉइन को देखा तो एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन दैट इज फियर सो यहां पे एक और एग्जांपल है साइट ऑफ इनकमिंग कार मीन्स आप आपने देखा है कि एक कार सीधा आपकी तरफ बढ़ रही है मे बी कार के ब्रेक्स फेल हैं या ड्राइवर ड्रंक है तो उस सिचुएशन में क्या होगा पाउंडिंग हार्ट heart, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी कि ये कार मेरी तरफ ही बढ़ रही है दैट यू आर इन डेंजर तो उसके बाद क्या होगा फिर हमें पता लगेगा देन देर इज अमोशन दैट इज फीयर सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स एंड देन फियर ये इस थ्योरी का कहना है सो so, ये अगेन वही लॉइन वाली एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस की है लॉइन देखा सीधा गई मैसेज किया कॉटेक्स को कॉटेक्स ने क्या मैसेज भेजा बॉडी पार्ट्स को दैट इज हार्ट बीट इंक्रीज स्टार्ट रनिंग एंड शेकिंग ऑफ हैंड्स उसके बाद फिर से मैसेज किया कॉटेक्स को देन अगेन मैसेजेस सेंड फ्रॉम द कॉटेक्स दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन कौन सा फियर और कुछ जो सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के उन्होंने और एग्जाम्पल्स दिए इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जैसे कि वेन अ पर्सन कन्फ्रंटेड अ लाइन ही और शी फील्स फियर जैसे नॉर्मली जो जब लोग जो है लाइन को देखते हैं तो क्या है इस थ्यूरी के अकॉर्डिंग पहले फिजिकल सिम्टम्स और बाद में क्या है डर लगना स्टार्ट हो जाएगा बट इन सर्कस जब हम सर्कस में बैठे होते हैं अ पर्सन डज नॉट फील एनी फीयर कि इंसान को कोई डर नहीं लगता क्योंकि कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते ठीक है सो so, इस थ्यूरी के अकॉर्डिंग पहले फिजिकल सिम्टम्स होंगे तो ही उस फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे इमोशंस होंगे तो जब हम सर्कल में बैठे सर्कस में बैठे होते हैं तो क्या है कोई फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते हमारी बॉडी में और हमें कोई इमोशन फील नहीं होता सो so, इस थ्योरी में फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को क्या है इंपॉर्टेंस दी गई है उसी के बेसिस पे क्या है इमोशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं लेकिन इस थ्योरी में बाद में क्रिटिसिज्म भी बहुत झेलना पड़ा इस थ्योरी को सो क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हुआ जैसे इस थ्योरी का मानना है कि इमोशनल रिएक्शन जो है वो फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी फिजिकल सिम्टम्स होंगे उसी के बेसिस पे मीन्स जज किया जाएगा कि हाँ इमोशन कौन सा है सो कैनन बाड है उनका कहना है कि कई सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिनमें सेम फिजिकल सिम्टम्स होते हैं फॉर एग्जांपल लॉइन देख लिया एक तो उसके बाद ऐसा भी होता है कि कई बार आप फिजिकल मीन्स वर्किंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यू आर रनिंग और यू आर डूइंग एक्सरसाइज सो उस केसेस में भी क्या है हार्ट बीट फास्ट हो सकती है सो so, कई बार इमोशंस सॉरी एग्ज़ाम से पहले कई बार आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं यू फील एनजाइटी उस केसेस में भी आपकी जो है हार्ट बीट फास्ट हो जाती है सो so, आपके हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं सो so, ऐसी कई सिचुएशंस है जिसमें सेम फिज़िकल सिम्टम्स होंगे लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हम यही कहें कि इमोशनल रिएक्शन इन सिम्टम्स का फियर ही होगा कि अगर हाथ पैर कांप रहे हैं मीन्स आपकी हार्ट बीट फास्ट है तो समझ लो कि इमोशनल रिएक्शन क्या है फियर सो so, इस बेसिस पे इस थ्योरी का क्या है क्रिटिसिजम हुआ सो मूविंग टूवर्ड्स एन एक थ्योरी दैट इज कैन एन बार थ्यूरी सो दैट इज ऑल्सो नोन एज थेलेमिक थ्योरी सो इसमें भी दो लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया जिन्होंने जेम्स लेंच थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था दैट इज वॉल्टर कैन फर्स्ट प्रपोज दिस थ्यूरी इन नाइनटीन ट्वेंटी एंड हिज वर्क वॉज लेटर एक्सपेंडेड बाई फिजोलॉजिस्ट दैट इज फिलिप बार्ट ड्यूरिंग द नाइनटीन थर्टी सो पहले क्या है वॉल्टर कैनन ने ये जो थ्यूरी दी थी नाइनटीन ट्वेंटी में उसके बाद इस थ्यूरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किसने किया फिलिप बार्ट ने इन नाइनटीन थर्टीज ओके सो इस थ्योरी में क्या है अकॉर्डिंग टू द कैनन बार थ्योरी ऑफ इमोशन वी फील इमोशंस एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस सच स्वेटिंग ट्रेम्बलिंग मसल टेंशन साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर यह नहीं है पिछली थ्योरी की तरह कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पहले हुआ उसके बाद इमोशंस सो इस थ्योरी का कहना है कि जो इमोशंस हैं प्लस फिजिकल सिम्टम्स क्या है वो एक ही समय पे होते हैं एक ही टाइम पे सो so, इस थ्योरी को थैलमिक थ्योरी कहा गया है क्योंकि इस थ्योरी में थैलमस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है थैलमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन हम डिस्कस करते हैं सो मोर स्पेसिफिकली द थ्योरी प्रपोजेस दैट इमोशंस रिजल्ट वेन द थैलेमस सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू अटिमुलायर रिजल्टिंग इन फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्यूरी उनका मानना है कि अगर हमने स्टिमुलाय देख लिया है फॉर एग्जाम्पल अगेन वी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लॉइन हेयर सो हमने लॉइन देख लिया है तो क्या है थैलमस जो है वो हेल्प करेगा मैसेज सेंड करने में ब्रेन को ठीक है ब्रेन को मैसेज सेंड हो गया थैलोमस ने हेल्प की थैलोमस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल तो उसके बाद में क्या है ब्रेन से क्या है फिर से बॉडी पार्ट्स में क्या है बॉडी पार्ट्स को ट्रिगर करेगा उसकी वजह से क्या हो फिजिकल सिम्टम्स होंगे उसी टाइम पे ब्रेन ऑल्सो रिसीव सिग्नल्स ठीक है ब्रेन ने और भी सिग्नल्स रिसीव किए जिसकी वजह से क्या है इमोशनल एक्सपीरियंस मीन्स इमोशंस जो है वो प्रोड्यूस हुए मीन्स एट द सेम टाइम लाइक इवेंट्स एक्टिवेशन ऑफ थैलेमस कोई इवेंट हुआ थैलेमस एक्टिवेट हो गया क्या हुआ फिजोलॉजिकल सिम्टम्स प्लस इमोशनल एक्सपीरियंस मीन्स यहां पे थेलमस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इस थ्योरी का मानना है कि फिजोलॉजिकल सिमटम्स और इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो सेम टाइम पे होता है लाइक हेयर यू कैन सी इवेंट हुआ अराउज फिजिकल सिम्टम्स प्लस इमोशंस एट द सेम टाइम सो हेयर इज एन एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क late एट नाइट मीन्स आप रात को क्या है किसी रोड से गुजर रहे हैं डार्क एले मीन्स कोई पासज वे है कोई रास्ता है दो बिल्डिंग्स के बीच में या फिर बिल्डिंग्स के पीछे ठीक है आप क्या है रात को अकेले एक डार्क मीन्स अंधेरे में एक रस्ते पे क्या है चल रहे हैं सो यू हीयर फुट स्टेप्स बिहाइंड यू सो आपको क्या है ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है सो so क्या होगा उस टाइम यू बिगेन टू ट्रेम्पल मीन्स आपका कांपना शुरू हो जाओगे आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी आप सांस गहरी गहरी सांस लोगे प्लस उसी टाइम पे आपको डर भी लगेगा सो so, इस थ्योरी का मानना ये है कि फिजिकल सिम्टम्स प्लस इमोशंस जो है वो सेम टाइम पे होते हैं तो इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इट अंडर इट इज अंडरस्टैंड दैट हाइपोथेलमस एंड लिम्पिक सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशन एंड नॉट द थैलमस सो इस थ्योरी का मानना है कि थैलमस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन इससे एक्चुअली ऑपोजिट है हाँ, थैलमस तो सिर्फ एक रिले स्टेशन है स्टेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पास आउट करता है जस्ट हेयर सीन द डायग्राम थैलमस केयर है यहां पर ठीक है सो so, ये मिड ब्रेन में और सेरिब्रल कॉटिक्स के मिडल में है सो so, ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करता है यहां से यहां तक सो so, माना जाता है कि हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इमोशन में नॉट अ थैलेमस सो so, इसकी वजह से क्या है क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस थ्योरी को भी सो मूविंग टूवर्ड्स सिंगर थ्योरी सो अगेन इसमें भी दो जनों ने ये थ्योरी प्रपोज की है सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन सो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द फिजियोलॉजिकल एसल मीन्स फिजिकल सिम्टम्स अकर फर्स्ट कि इसमें भी यही कहना कि फिजिकल सिम्टम्स जो है वो पहले होते हैं and then the individual must identify the reason for this arousal. So बाद में क्या है इंसान समझता है कि हाँ इन physical symptoms का कारण क्या है and label it as a emotion और उसके बाद उसको label करता है कि हाँ ये वाला emotion है So इस theory को दो लोगों ने propose किया है वो कौन कौन से हैं That is Stanley Shetter. So, spelling mistake here सो स्टेनले शेटर एंड जर्नल सिंगल इन सिंगल इन नाइनटीन सिक्सटी टू सो इस थ्योरी में क्या होता है इवेंट हुआ फिजिकल सिम्टम्स देन रीजनिंग कि हाँ इन फिजिकल सिम्टम्स का कारण क्या है आइडेंटिफाई करेंगे रीजन एंड देन इज इमोशन लाइक यू कैन सी हेयर इन द एग्जाम्पल इवेंट हुआ यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क एल लेट एट नाइट सेम कि आप किसी रस्ते पे चल रहे हैं रात को अंधेरे में एंड योर फूड स्टेप्स बिहाइंड यू आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मीन्स आपका ऐसा होता है ना कि आपकी आपकी शेडो पड़ती है पीछे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है लेकिन वो एक्चुअल में शेडो होती है आपकी ही सो so, उसके बाद क्या हुआ फिजिकल सिम्टम्स हार्ट बीट फास्टर होगी आपकी ठीक है ब्रीथिंग डीपेंस स्वेटिंग सो so, उसके बाद क्या है आप रीजनिंग दोगे कि यार ये फिजिकल सिम्टम्स क्यों हैं? सो दिस बिहेवियर इज डेंजरस मीन्स ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अकेले रात को अंधेरे में मीन्स किसी रस्ते पे चलना सो so, ये आपने रीजन दे दिया तो इमोशन क्या होगा डर सो so, इस थ्योरी में यही है ये सेम जेम्स लैंड थ्यूरी की तरह है लेकिन सिर्फ रीजनिंग इसमें क्या है एड हुआ है उसमें यही था ना कि इवेंट फिर फिजिकल सिम्टम्स फिर इमोशन लेकिन इस थ्योरी में ऐड हो गया रीजनिंग कि हम रीजन देंगे कि ये सिम्टम्स क्यों अराइज हुए हैं एंड देन इमोशन आई वुड लाइक टू गिव मोर एग्जांपल्स इन द फेवर ऑफ दिस थ्योरी फॉर एग्जांपल इवेंट क्या है इसमें आपने क्या है यू सी एंग्री मॉब या फिर आप भी उसी का हिस्सा हैं दैट यू आर प्रेजेंट नियर द क्राउड और इन द क्राउड विच इज वेरी एंग्री ठीक है सो so, उस टाइम पे रीजनिंग क्या होगी टेर इज डेंजरस और इमोशनल लेवल क्या होगा इसमें एंग्री लेकिन वही अगर आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रेजेंट हैं

सो so, ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा रीजनिंग के बेसिस पे कि आप उस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं सो इसमें रीजनिंग जो है वो ऐड हुआ है इस थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ा वो क्यों बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड लेस एक्सप्लेनिंग देर इज नो अकाउंट ऑफ इमोशनल प्रोसेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कॉग्नेटिव प्रीजल थ्यूरी सो इस थ्यूरी को लेजरस थ्यूरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है क्योंकि रिचर्ड लेजरस जो था वो एक फर्स्ट पर्सन था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया सो द मीनिंग ऑफ पाइनियर इज द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज दिस थ्योरी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि थिंकिंग मस्ट अकर फर्स्ट बिफोर एक्सपीरियंसिंग इमोशन सो इस थ्योरी का ये मानना है कि कोई भी इमोशन एक्सपीरियंस करने से पहले थिंकिंग जो है वो होनी चाहिए मीन्स थिंकिंग

So, moving towards the next theory that is facial feedback theory so this theory is proposed by Charles Darwin and William James so Charles Darwin ne hai? evolutionary theory proposed okay so this theory is again proposed by two persons that is Charles Darwin and William James and this theory suggests that so is theory me facial expression expressions a person ke, wo hai? कनेक्टेड है इमोशंस के साथ सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशंस आर डायरेक्टली टाइड टू द चेंजेस इन फेशियल मसल्स सो हमारे फेस के जो मसल्स हैं उनमें जो भी चेंजेस आते हैं दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इमोशंस फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं सो so, आप वहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ यू आर कूल एंड यू आर हैप्पी तो आपने क्या है एक अपने फेस पे स्माइल रखी हुई है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या है अपने न्यूट्रल जो कि न्यूट्रल फेस एक्सप्रेशंस दे रहे हैं या फिर फ्रॉन्ड जैसे कि फ्रॉन्ड मीनिंग वेन यू आर वेरी एंग्री और वेन यू आर मीन्स नॉट एग्री विद समवन तो ऐसा होता है कि आपके दोनों आईब्रोज के बीच फोर हेड पे क्या है रिंकल्स आ जा जाते हैं सो so, उस फेस को हम कहते हैं फ्रॉन्ड फेस सो so, एग्जाम्पल में ये है कि जिन्होंने स्माइल रखी हुई है वो क्या है ज्यादा बेटर टाइम इंजॉय करेंगे इवेंट में एज कम्पेयर टू दोस्ट हु आर शोइंग द न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन सो क्या है कि फेस एक्सप्रेशंस जो है वो डायरेक्टली लिंक करते हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर इमोशंस नेक्स्ट वीडी कैप ऑल द थ्यूरीज जेम्स लेंज थ्यूरी इवेंट देन फिजिकल सिम्टम्स देन इमोशन नेक्स्ट इज कैन एंड थ्यूरी इवेंट Physical symptoms and emotion at the same time. Next is Shatter Singer Theory. Event, physical symptoms, reasoning and then emotion. Next is Cognitive Appraisal Theory. Event, cognitive label means thinking and then physical symptoms and emotion at the same time. And next one is Facial Feedback Theory. Means our facial muscles or face expressions are directly connected with our emotions so i hope you all understand the theories of emotion so if you find this video useful then please tell me through comment section so at last stay safe stay at home good luck to all